चले जाते हैं छत्तीसगढ़ की 20 बड़ी खबरें। परीक्षा पर कोरोना संकट, सीजी बोर्ड परीक्षाओं की बढ़ सकती है तारीख, कल हो सकता है इस पर फैसला, 15 अप्रैल से शुरू हो रही है 10वीं के एग्जाम। छत्तीसगढ़ में कोरोना लाइव, राज्य में 24 घंटे में रिकॉर्ड 4617 केस मिले। दुर्ग में ये आंकड़ा बढ़कर 996 पहुंचने के बाद 6 से 14 अप्रैल तक हुआ टोटल लॉकडाउन। बीजापुर के गांव में ब्लैकआउट, जिले में कई जगहों पर बिजली पोल गिरे, एक दर्जन से ज्यादा गांव में कल से है अंधेरा, नक्सलियों के पेड़ उखाड़ने का जताया जा रहा है अंदेशा। कोरोना ने किया लॉकडाउन, बेमेतरा सहित नवागढ़, बेरला, मारो और ग्राम पंचायत भेड़नी कंटेनमेंट जोन घोषित हुआ। सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी दुकानें। जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश, बेमेतरा शहर में आज से किया गया लॉकडाउन। जिले में 1017 एक्टिव केस, 72 मरीजों की हो चुकी है मौत, अब तक 6274 पॉजिटिव मिले। सुबह हत्याकांड का हुआ खुलासा, जेल से छूटे तो जमानत के लिए उधार दिए 5 लाख रुपए वापस करने का बना रहे थे दबाव, परेशान होकर रेत लिया गला, युवती सहित 3 हुए गिरफ्तार। लालबाग क्षेत्र में दिसंबर 2018 में शुभम नामदेव की कर दी गई थी हत्या, राज इंपीरियर होटल के पास मिला था शव। रेप के आरोप में शुभम और उसके पिता गए थे जेल, बाहर निकलने के लिए आरोपियों को दिए थे 5 लाख रुपए। दुर्ग में हुआ टोटल लॉकडाउन, जिले में 6 से 14 अप्रैल तक लॉकडाउन की घोषणा, इमरजेंसी सेवाओं की छूट, कलेक्टर की अपील, घर में ही रहे, सुरक्षित रहें। बढ़ते कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने प्रशासन की सख्ती, कोरोना चेन को तोड़ने के लिए जिला प्रशासन की कड़ाई। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार ने आपातकालीन स्थिति से निपटने की कोशिश शुरू कर दी है। रायपुर कलेक्टर ने आज हालात की समीक्षा करने के बाद रायपुर नवा रायपुर क्षेत्र के 5 सरकारी भवनों को अधिग्रहित कर लिया है। इन भवनों को अब कोरोना मरीजों के आइसोलेशन सेंटर में बदला जाएगा। बिलासपुर में घुसखोरी ने ली किसान की जान, पेड़ में फंदा लगाकर की खुदकुशी, सुसाइड नोट में लिखा पटवारी ने 5000 रुपए लेने के बाद भी नहीं दी जमीन की पर्ची। आरोपी पटवारी सस्पेंड हुआ और गिरफ्तार भी, आत्महत्या के लिए प्रेरित करने की लगी धारा। तखतपुर क्षेत्र के ग्राम राजा कापा का है यह मामला, प्रताड़ना से तंग होकर उठाया यह कदम। जमीन की पर्ची खो गई थी, उसे बनवाने के लिए 6 माह से लगा रहा था पटवारी के चक्कर। छत्तीसगढ़ में फूटा सियासत का लेटर बम, सरकार ने अफसर पर नहीं की कार्रवाई तो कांग्रेस विधायक ने सोनिया गांधी को लिख दी चिट्ठी, कहा जनाधार होगा प्रभावी। पंचायत विभाग के अफसर अशोक चतुर्वेदी पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, पिछली सरकार में पाठ्य पुस्तक निगम के MD थे चतुर्वेदी, विवादित भी रहे। दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 4 महीनों से जारी किसान आंदोलन ने छत्तीसगढ़ में फिर से जोर पकड़ना शुरू किया है। किसानों ने अब यहां मिट्टी सत्याग्रह शुरू किया है, इसके तहत छत्तीसगढ़ की बलिदानी मिट्टी को किसान दिल्ली ले जाएंगे। मालखाने में आग, कोरबा में पुलिस चौकी की ऊपरी मंजिल में लगी आग, मालखाने से निकली लपटों के साथ फूटे फटाके। हरदी बाजार पुलिस चौकी में सुबह हुआ हादसा, दीपावली के समय जब्त किया गया था सामान। फायर ब्रिगेड ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू, शॉर्ट सर्किट से हुआ हादसा। छुट्टियों में होगा टीकाकरण, छत्तीसगढ़ में सभी डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां कर दी गई है रद्द, अब रोजाना लगेगा कोरोना का टीका। देश का पहला पूर्ण विद्युतीकरण जोन बनने वाले पश्चिम मध्य रेलवे जोन मुख्यालय जल्दी ही रायपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस से जुड़ेगी, इस ट्रेन का रेलवे बोर्ड ने टाइम टेबल जारी कर दिया है। दुर्ग में बेकाबू हुआ कोरोना, CSP कार्यालय में भी कोरोना ने दी दस्तक, एक SI की हुई मौत, जिले में एक सप्ताह में 3344 नए केस आए सामने। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में गीतपुरी धान संग्रहण केंद्र प्रभारी क्षेत्र सहायक धनेश्वर सिंह राजपूत को कर दिया गया सस्पेंड, जबकि डेली विशेष पर काम करने वाले 5 कर्मचारियों को निकाल दिया गया है, सभी के ऊपर काम में लापरवाही बरतने का लगाया गया है आरोप। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस का मिला नया वेरिएंट, डॉक्टरों ने कहा शरीर पर कैसा असर करेगा अभी पता नहीं। छत्तीसगढ़ में अब होगा लॉकडाउन, स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव की सिफारिश के बाद CM भूपेश बघेल ने दिए निर्देश, स्थानीय परिस्थितियों को देखकर कलेक्टर जारी करेंगे आदेश। प्रदेश भर के शहरी क्षेत्रों में भी नाइट कर्फ्यू लागू है, प्रभावी नहीं माना गया है, लगातार दूसरे दिन 4500 से अधिक मरीज आने के बाद लिया गया है यह फैसला। कोरोना का कहर, 7 दिनों के सरकारी रिकॉर्ड में 31 मौतें, लेकिन दुर्ग भिलाई के 4 मुक्ति धाम में ही इस दौरान 146 कोरोना संक्रमित शव जलाए गए। नए कंटेनमेंट जोन रायपुर में अविनाश, आशियाना, कंचनगंगा, बैजनाथ, पारा और उरला में आवाजाही भी प्रतिबंधित, दर्जनों नए कोरोना संक्रमित आए सामने।
सावधान गांव में कोरोना। दुर्ग प्रशासन का बड़ा फैसला, 5 से अधिक कोरोना पॉजिटिव पाए जाने वाले गांव को बनाया जाएगा कंटेनमेंट जोन। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।